हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधालिया एक और टॉपिक पे, एक और विषय पे बात करने के लिए जुड़ चुका हूँ। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं भैया, वो विषय जो है वो संबंध रखता है बिहार राज्य से। तो भैया, बिहार राज्य का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, उसको देश के 14 अन्य टाइगर रिजर्व के साथ में CATS कैट्स एक्रीडिशन या CATS एक्रीडिशन जो है वो मिली है भैया, बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। दोस्तों, इस आर्टिकल में हम विस्तार में समझेंगे। सबसे पहले तो क्या होता है ये CATS कैट्स एक्रीडिएशन, क्या इसके मायने हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और देश के अंदर 14 टाइगर रिजर्व्स को जो है वो ये एक्रीडिएशन मिला है, जिसमें से बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो भी एक है। तो दोस्तों, इस विषय पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले। दोस्तों, बिहार स्टेट के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की, जुडिशियरी की या किसी भी अन्य एग्जाम की, तो स्टडी आईक्यू के बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन जो है उसको बेहतरीन बनाइए। दोस्तों, आपके लिए हमारा स्पेशल जन्माष्टमी सेल जो है वो ऑन है। यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्स पर मैसिव डिस्काउंट्स आप प्राप्त कर पाएंगे कृष्णा 20 कोड का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों, जल्दी करें इस डिस्काउंट का, इस सेल का जो है वो लाभ। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे भैया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और उसी के साथ में 14 अन्य टाइगर रिजर्व। दोस्तों, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा ये घोषणा करी गई कि देश के 14 टाइगर रिजर्व्स को जो है वो ग्लोबल एक्रीडिएशन, जिसको कहते हैं किसके द्वारा, CATS के द्वारा। CATS एक ऐसी इकाई है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। तो दोस्तों, एक ऐसा मापदंड जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा पैरामीटर कह सकते हैं, जो कि टाइगर रिजर्व्स की क्वालिटी को इंश्योर करता है कि भैया जिस भी टाइगर रिजर्व को CATS की, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की एक्रीडिएशन मिल जाती है, इसका अर्थ ये होता है कि वो टाइगर रिजर्व जो है वो टाइगर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव तरीके से काम करता है। यानी कि टाइगर्स को वहां पर किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है, उनका संरक्षण जो है वो सुनिश्चित किया जाता है, टाइगर कंजर्वेशन जो है वो इंश्योर होती है। दोस्तों, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। जब हम गोल्ड खरीदते हैं तो भैया हॉलमार्क का एक निशान जो है वो उस गोल्ड के ऊपर हम ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि जिस भी सोने के ऑर्नामेंट के ऊपर हॉलमार्क का निशान होगा, इट मींस के उसकी क्वालिटी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसी की तर्ज पर कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, जिसको CATS कहा जाता है भैया, जिस भी टाइगर रिजर्व को CATS की मान्यता, एक्रेडिएशन जो है वो प्राप्त होगी, इसका अर्थ ये है कि भैया वो जो टाइगर रिजर्व है वो बहुत बेहतर तरीके से बाघों का, टाइगर्स का संरक्षण जो है वो सुनिश्चित करता है। तो ये मायने हैं CATS के। तो भैया जी, ये CATS जो है वो हाल ही में देश के अंदर 14 टाइगर रिजर्व को मिला है, जिनमें से बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो भी एक है। तो इन 14 में से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार इज वन अमंग दीज 14। यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है CATS एक्रीडिएशन, यानी कि CATS की मान्यता का क्या अर्थ है। इट इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड कंजर्वेशन टूल, कंजर्वेशन टूल है एक, जिसको विश्व स्तर पर स्वीकृत जो है वो किया जाता है। दैट सेट्स बेस्ट स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस टू मैनेज टाइगर्स एंड एनकरेजेस असेसमेंट टू बैंक मार्क्स प्रोग्रेस। क्या होता है दोस्तों, ग्लोबल लेवल पर एक टूल जो है उसको एक्सेप्ट किया गया है कि भैया ये टूल जो है ये मेजर करेगा किसी भी टाइगर रिजर्व में कितने बेहतर तरीके से बाघों की, टाइगर्स की संरक्षण की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, उनको कितने बेहतर तरीके से कंजर्व किया जा रहा है और कैसे उनको बेहतर प्रबंधन जो है उनका हो रहा है। ये जो है इसको CATS कहा जाता है। और CATS जो है वो एक रैंकिंग जो है वो ऑफर करता है, एक्रीडिएशन जो है वो देता है। तो जिस किसी को CATS की एक्रीडिएशन मिल जाएगी, वहां पर टाइगर जो है वो बेहतर तरीके से उनका ख्याल जो है वो रखा जाएगा। इसी कारण से सभी टाइगर रिजर्व्स की ये कोशिश होती है कि उनको CATS एक्रीडिएशन जो है वो मिल जाए। हैबिटेट्स विद सपोर्ट टाइगर पॉपुलेशन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वाइल्ड टाइगर कंजर्वेशन एंड इफेक्टिवली मैनेजिंग देम इन इज असेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड टाइगर्स, सेट द ऑफिशियल्स। दोस्तों, क्या होता है, आप जानते हैं टाइगर जो है उसको, उसका संरक्षण करना जरूरी है
स्पीशीज जो है वो प्रजाति जो है टाइगरों की वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, इस वजह से उनको कंजर्व करना, उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी था। तो इस कारण से टाइगर कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक हैबिटेट जो है वो बहुत जरूरी था। भैया जी हैबिटेट का मतलब है जहां पर वो टाइगर जो है वो रहते हैं, उनके आसपास का जो इलाका है, उनका जो आवास है, अगर वो बेहतर तरीके से बनाया जाएगा ताकि टाइगर पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके, तो अपने आप टाइगर का कंजर्वेशन संरक्षण जो है वो हो जाएगा। तो CATS जो है वो टाइगर्स के आसपास के हैबिटेट की जो है वो मान्यता उनको देता है, उनकी एक्रीडेशन करता है कि क्या जिस इलाके में, जिस हैबिटेट में टाइगर रह रहा है वो उसकी कंजर्वेशन के लिए सही है या नहीं। ठीक है जी भैया जी, अगेन ये CATS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये क्राइटेरिया है विच अलाउ टाइगर साइट्स टू चेक इफ देयर मैनेजमेंट विल लीड टू सक्सेसफुल टाइगर कंजर्वेशन। ये बताता है कि टाइगर साइट्स, वो जगह जहां पर टाइगर मौजूद है, क्या उनका प्रबंधन सही तरीके से हो रहा है सो दैट वो टाइगर कंजर्वेशन जो है वो कर सके। ठीक है जी, CATS वॉज डेवलप्ड बाय टाइगर एंड प्रोटेक्टेड एरिया एक्सपर्ट्स। तो टाइगर और प्रोटेक्टेड एरिया एक्सपर्ट्स ने जो है वो CATS बनाया था, 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ TX2। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है टाइगर कंजर्वेशन में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। TX2 ये क्या है? द ग्लोबल गोल टू डबल वाइल्ड टाइगर नंबर बाय द ईयर 2022। अगर कभी एग्जाम के अंदर ये सवाल आ जाता है, प्रोबेबिलिटी है T into 2 या TX2 भी इसको कह सकते हैं। तो भैया जी T into 2 अगर हम इसको समझे, T फॉर टाइगर मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि टाइगर की जनसंख्या को, पॉपुलेशन को 2 गुना करना है, ये एक ग्लोबल गोल है। तो अगर इस तरीके का TX2 या T into 2 टर्म एग्जाम के अंदर आता है कि T into 2 टर्म वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, तो भैया जी इसका संबंध जो होगा वो होगा डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन By the year 2022, ठीक है जी, 2022 तक बाघों की जनसंख्या जो है उसको 2 गुना करना, ठीक है जी। तो उसी के संबंध में CATS जो है वो बनाया गया है। तो भैया जी न्यूज आर्टिकल कहता है देश के अंदर 14 टाइगर रिजर्व्स को ये मान्यता जो है वो मिली है। एक तो हो गया भैया वाल्मीकि, उसके विषय में हम बात करेंगे, बिहार से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, बाकी जो है वो जान लेते हैं कौन कौन से है। तो 14 टाइगर रिजर्व में शामिल है मानस, काजीरंगा एंड औरंग इन आसाम, 3 जो है वो आसाम के हैं, सतपुरा, कान्हा एंड पन्ना टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, 3 मध्य प्रदेश के हैं, पेंच इन महाराष्ट्र, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन बिहार, दुधवा इन उत्तर प्रदेश, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, परमबिकुलम इन केरला, बांदीपुर टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका एंड मुदुमलाई एंड अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। तो ये वो 14 बाघ अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व्स हैं जिनको ये मान्यता, जिनको ये एक्रीडिएशन जो है वो मिला है। क्यों मिला है, क्या उसका लक्ष्य है, कौन देता है, ये चीजें हमने जो है वो डिस्कस करी है। अभी बात करेंगे दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फॉर्म द ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ हिमालयन तराई फॉरेस्ट। तो भैया जी हिमालय के जो तराई जंगल है उनकी पूर्वी सीमा जो है वो बनाता है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, इट इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार। कहां पर है दोस्तों? बिहार का वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है उसका ये इलाका है, वाल्मीकि नगर का इलाका है, नेपाल की सीमा से सटा हुआ ये इलाका है, यहां पर ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो मौजूद है। दोस्तों यहां कहीं पर ये देख रहे हैं आप वाल्मीकि नगर, यहां पर वेस्ट चंपारण में यहां पर मौजूद है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, VTR जिसको कहते हैं, ठीक है जी। इट लाइज इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ओनली नेशनल पार्क है बिहार का, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कवर्स द एरिया ऑफ 898.45 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि करीब करीब रफली अगर हम कहें तो 900 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का है। दोस्तों इस पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का 17.4% इलाका जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का है, यानी कि काफी लार्ज एरिया में टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1990 में इसको जो है वो बनाया गया था। अगेन वही हिमालय के जो तेराई जंगल है उनकी पूर्वी सीमा जो है वो आकर के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पहुंचती है। रिवर गंधक फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाल्मीकि वन जीवन अभयारण्य की जो पश्चिमी सीमा है, आपको मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूं भैया जी, ये देखिए यहां पर ये जो वेस्टर्न इसकी बाउंड्री है वहां से होकर के गुजरती है गंधक नदी। तो भैया जी गंधक रिवर जो है वो इसकी वेस्टर्न बाउंड्री जो है वो बनाती है। इसके अलावा सोनहा,
नद हरहामसन रिवर सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम वाल्मीकि फॉरेस्ट एंड फॉर्म गंधक रिवर। तो भैया जी, वाल्मीकि जंगलों से कुछ नदियां सोनहा, पंचनाद, हरहा, मसन नदी आकर के निकलती हैं, और ये मिलकर के फिर गंधक नदी जो है वो बनाती हैं। तो भैया गंधक नदी की ही ट्रिब्यूटरीज है सोनहा, पंचनाद, हरहा, मसन, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है जी दोस्तों, इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास एक शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी जो है वो डोमिनेंट है, प्रमुख समुदाय जो है यहाँ का, उसका नाम है थारू। तो थारू अगर जो है ये टर्म एग्जाम के अंदर कभी या कभी भी आपको देखने को मिलता है तो याद रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के आसपास में एक डोमिनेंट शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है थारू। इसके अलावा दोस्तों यहां पर धनगर ट्राइब जो है वो मौजूद है। तो धनगर जनजाति जो है वो यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है इस इलाके की। धनगर जो है वो दरअसल चार जनजातियों से मिलकर के बनते हैं, उरान, मुंडा, लोहरा और भुईया। उरान, मुंडा, लोहरा और भुईया, ये चार जनजातियां हैं, ये चार ट्राइब्स हैं जो मिलकर के धनगर ट्राइब्स जो है वो बनाते हैं। ये धनगर ट्राइब्स जो है ये हमारे वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में जो है वो मौजूद है। धनगर्स वर ब्रॉट टू दिस एरिया एज एग्रीकल्चरल लेबरर्स फ्रॉम छोटा नागपुर हिल्स। दोस्तों याद रखिएगा, छोटा नागपुर के इलाके से धनगर जो है उनको खेती बाड़ी के खेतीहर मजदूरों के रूप में यहां पर लाया गया था। और प्रत्येक धनगर, चार धनगर ट्राइब है मैंने आपको बताया कौन कौन से, उराव, मुंडा, लोहरा और भुईया, तो ये चारों ही जनजातियां जो है इनका अपना डायलेक्ट है, इनकी अपनी बोली है। दोस्तों जब भी कोई न्यूज आर्टिकल या कोई भी प्लेस जो है इंपॉर्टेंट न्यूज के अंदर देखने को मिलता है तो उसके आसपास की जितनी भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम गैदर कर पाते हैं वो हम आपके लिए लाते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है वो वेस्ट चंपारण और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास की जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है यहां तक समझ में आया होगा। दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अपार्ट फ्रॉम टाइगर्स, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बाघों के अलावा सांबर, चीतल, हॉग, डियर, नील गाय, वाइल्ड पिग और गौर। तो भैया जी सांबर है, चीतल है, हॉग हिरन है, इसके अलावा नील गाय है, जंगली सूअर है, और गौर जैसी प्रजातियां जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है वो पाई जाती है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्योंकि काफी बड़ा एरिया में फैला है तो बहुत ज्यादा जानवरों की कुख्यात प्रजातियां जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है जी दोस्तों, ये अनाउंसमेंट कब हुई थी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भैया इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के उपलक्ष्य पर ये अनाउंसमेंट जो है वो हुई थी कि भारत के 14 टाइगर रिजर्व्स को CATS एक्रेडिटेशन जो है वो मिल रहा है। तो ग्लोबल टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, ग्लोबल टाइगर डे की बात कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को ये दिन जो है वो मनाया जाता है। किस लिए? ताकि इस बड़े से जानवर, इस बिल्ली की एक बड़ी सी प्रजाति, बड़ी सी बिल्ली जिसको हम कहते हैं टाइगर को, उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता जो है वो लाई जा सके, क्योंकि धीरे धीरे लुप्त तो होती जा रही प्रजाति है टाइगर। द डे वॉज फाउंडेड इन 2010, तो 2010 में पहली बार इंटरनेशनल टाइगर डे की शुरुआत की गई थी। वेन द 13 टाइगर रेंज कंट्रीज केम टूगेदर टू क्रिएट T into 2 द ग्लोबल गोल टू डबल द नंबर ऑफ टाइगर्स। दोस्तों इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, T into 2, T फॉर टाइगर इंटू टू, यानी कि टाइगर्स को डबल करना है। तो 2022 तक बाघों की जनसंख्या को दुगना करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। इसी लक्ष्य के साथ में 2010 में इंटरनेशनल टाइगर डे की शुरुआत की गई थी, और हर साल 29 जुलाई को ये दिन जो है वो मनाया जाता है। और इसी दिन को 2021 में हिंदुस्तान के 14 टाइगर रिजर्व्स को CATS एक्रेडिटेशन जो है वो मिला था, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों बिहार स्टेट एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ के बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों जन्माष्टमी सेल जो है वो हम लेकर के आए हैं, तो इस सेल का लाभ उठाइए और मैसिव डिस्काउंट जो है वो अपने लिए प्राप्त कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।